अंटार्कटिका में मिल्टन तूफान ने तबाही मचा दी है। हरिकेन की वजह से फ्लोरिडा में कई लोगों की मौत हो गई। यह तूफान फ्लोरिडा में 15 दिन के भीतर आने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। इससे पहले फ्लोरिडा में हेलेन तूफान की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के कई इलाकों में मिल्टन तूफान ने भारी तबाही मचाई है। शुक्रवार सुबह सेंट पीटर्सबर्ग में 1000 साल के इतिहास की सबसे तेज बारिश हुई। 3 घंटे में 16 इंच से ज्यादा बारिश हुई। यह हरिकेन मिल्टन का असर था। तेज बारिश, बवंडर और बाढ़ ने अमेरिका में तबाही मचा दी। इस हरिकेन से फ्लोरिडा में कई लोगों की मौत हो गई है। तूफान ने 120 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया है। करीब 30 लाख ऑफिसों में बिजली न होने से काम ठप हो गया है। मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला इस साल का तीसरा तूफान है। 10 अक्टूबर को ये फ्लोरिडा के सिएस्टा में समुद्री तट से टकराया। माना जा रहा है कि ये सबसे ऊपर की कैटेगरी का तूफान है। टकराते वक्त कैटेगरी 3 का हो गया था और अब इसे कैटेगरी 2 का तूफान घोषित कर दिया गया है। साफिर सिम्पसन स्केल में मेजर होता है तूफान। स्केल मापता है हरिकेन की तेजी और हवा की स्पीड। तीव्रता को 1 से 5 तक की कैटेगरी में रखा जाता। हवा की स्पीड जितनी ज्यादा उतनी ही ऊंची कैटेगरी। कैटेगरी 5 की स्पीड 250 प्रति घंटा से ज्यादा। तूफान की वजह से अमेरिका में नेशनल वेदर सर्विस ने 126 बवंडरों की वार्निंग भी जारी की है। तूफान से मची तबाही में लोगों की मदद के लिए नेशनल गार्ड के 65,000 लोगों को तैनात किया गया है। 19 राज्यों में 3,000 गार्ड्स को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा 26 हेलीकॉप्टर्स और 500 से ज्यादा हाई वाटर व्हीकल्स भी सपोर्ट में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।